तुम जा क्यों रहे हो? जब से आया हूँ यही हूँ, एक बार भी अपने घर नहीं गया। मैं हमेशा तो नहीं रह सकता ना यहाँ। रहो ना। इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। इतनी मुश्किल से हमें प्राइवेसी मिली है। लेट्स होप कम से कम 5 मिनट तक यहाँ कोई ना आए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो हेमल है ना, हेमल जो मुझसे छोटा है, उसका है ना। गट्टू भाई तू भी। पर मैंने ऐसा नहीं बोला कि तेरा दिल टूट गया है, मैंने ना सिर्फ ऐसा बोला। आपको प्यार हो गया? हाँ मतलब वो सब शादी के बाद क्या फालतू का टॉपिक लेकर बैठ गए हो सब। और डिंपल तू अभी तक सोई नहीं, देर रात तक जागेगी तो आंख के नीचे डार्क सर्कल हो जाएंगे। तेरी शादी है दुल्हन की आंखों के नीचे। पापा मेरे शादी को 3 महीने हैं। हाँ हाँ तो डार्क सर्कल होने में 3 महीने हो ही जाएंगे, सोचो अगर उस वक्त हुआ तो। अंकल डार्क सर्कल्स के लिए बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी अ प्रॉब्लम। तुम मुझे मत सिखाओ कितने ट्रीटमेंट होते हैं। एक तो मैक चिकन सेंटर में तुमने चिकन परोसा। ओ मोटा भाई आप बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। तू चुप रह डिंपल, तू चल मेरे साथ। चल लेके जाइए और रात को लोरी गा के सुलाइए भी, और बीच में हूं का म्यूजिक भी डाल देना। तू चुप रह बेबी। और नहीं तो क्या, अरे 2 मिनट भी अकेले नहीं बैठे ये दोनों। आप आ गए जालिम समाज के प्रतिनिधि बनकर। मैं बात से कहकर इन दोनों को प्राइवेसी दिलवाऊंगी। कोई प्राइवेसी वाइवेसी नहीं मिलेगी, वो सब शादी के बाद। ये सब झंझट मुझे शादी के पहले नहीं चाहिए, समझी? बा ये हंसने वाली बात नहीं है। अरे अनीश कुमार इतने दिनों से गट्टू भाई के काम के चक्कर में फंसे रहे, आज उनका लास्ट डे है यहाँ पर। 2 मिनट डिंपल के साथ बैठकर प्राइवेसी में बात करना तो दूर, एक दूसरे को देख लेते हैं तो भी खटकता है इन्हें। लीला लीला अनीश डिंपल को देखा कहीं? मैंने तो पूरा घर छान मारा, मुझे कहीं नहीं दिखे। 17 मिनट पहले मैंने देखा था दोनों एक दूसरे को यूं यूं हाथ कर रहे थे, तभी मुझे शक गया था। बा देखिए बा जरा कैसे रिएक्ट कर रहे हैं ये भी। क्या आप भी जैसे अभी डिंपल और अनीश इनके सामने आ जाएंगे तो जिंदा चुनवा देंगे दीवार में। देखिए देखिए कैसे घूर रहे हैं। घूरिए घूरते रहिए आप, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम्हारे ना डरने से मैं डर जाऊंगा क्या? अरविंद अनीश कल से अपने घर पे शिफ्ट हो रहा है, सामान रखने गया है। हाँ और मैंने डिंपल को उसके साथ में भेज दिया है ताकि थोड़ी सी तो प्राइवेसी मिले, इस घर में तो मिलती है नहीं। तुम माँ हो या मतलब कैसी माँ हो तुम? अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल एहसास नहीं है तुम्हें, इस तरह अपनी जवान बेटी को किसी के साथ कोई। वो तुम्हारा होने वाला दामाद है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं? उसकी छोड़ो पर अपनी बेटी पर, और जो उसे संस्कार दिए हैं उन संस्कारों पर भी भरोसा नहीं है। मुझे तो पूरा भरोसा है, लीला एकदम सही कह रही है, हमें उन्हें थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए बा, लेकिन मैं क्या कहता हूँ अगर ये प्राइवेसी उन दोनों को शादी के बाद मिले तो। शादी के बाद उन्हें प्राइवेसी देकर एहसान करेंगे क्या? तुम चुप रहो लीला, मैं बा के साथ बात कर रहा हूँ। बंद करो, मुझे तो लगता है तुम दोनों को प्राइवेसी मिलनी चाहिए झगड़े के लिए। अरविंद हमारे बच्चे नए जमाने के होकर भी हमारे पुराने संस्कार लेकर चल रहे हैं ना, तो हमें भी उन्हें थोड़ी आजादी देनी चाहिए ताकि हमारे संस्कार उन्हें बोझ न लगे। लड़का हीरा है अरविंद, और ये बात अब मैं तुझे साबित करके बताऊंगी। परसों हम उन दोनों को पूरा दिन घर में अकेला छोड़ देंगे। बाप चुप, पूरा दिन हम उन्हें घर में अकेला छोड़ देंगे, और शाम को जब हम वापस लौटेंगे तो तू ही मुझे बोलेगा कि बा मैं गलत हूं। बा बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? चले जाएंगे किसी सत्संग में या प्रवचन सुनने।
या कोई पिक्चर देखने चले जाएंगे। बच्चे भी बहुत दिनों से जिद कर रहे थे, लेकिन बस मैंने फैसला कर लिया। हम जीत गए। तुम दोनों को एक फ्री हैम्पर मिला है, परसों का पूरा दिन कृष्णा विला में विद प्राइवेसी। हाँ, एक मच्छर भी नहीं आएगा। मस्किटो रिपेलेंट चला देना। अनीश, तुम बेकार में अपना सामान ले गए, कुछ और दिन यहाँ रुक नहीं सकते थे? कोई प्रॉब्लम नहीं, परसों अर्ली मॉर्निंग आ जाऊंगा। देखो, हम सब पिक्चर देखने जा रहे हैं, घर में सिर्फ तुम दोनों रहोगे, लेकिन ज्यादा गड़बड़ मत करना। क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बोलती है। मैं बोलूं? मैं ऑफ कोर्स। देखो क्या करने का मालूम है, तुम दोनों अकेले रहोगे ना, तो तुम दोनों है ना थप्पा खेलना, थप्पा थप्पा थप्पा। लेकिन डैन तुम देना। क्या तुम देना? वो डैन होता ना, वो ऐसे ऐसा 1 to 10 करने का, 1 2 3 4। ओ अच्छा, ओ तो तुम डैन देना। डिंपल तू छुप जाना, तू है ना उधर छुप जाना पलंग के नीचे। हाँ। और अनिश तुम है ना बाहर जाना और कड़ी लगा के फिर ताला लगा के चाबी कुएं में फेंक देना, को कुएं में, और फिर बाहर झूले पे जाके ये ऐसा करने का। बहुत अच्छा आइडिया, बहुत अच्छा। मट्टू, ये तो मैं मोटा भाई ने सिखाया है ना। लेकिन उन्होंने बोला है मट्टू मेरे बारे में मत बोलना। हाँ। तो मैं नहीं बोलूंगा डिंगा। ये मोटा भाई भी ना आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। तुम दोनों प्लीज संभाल के रहना, स्टिंग ऑपरेशन भी हो सकता है। मैं गाड़ी बोलूं? एक और नो अनिश, तुम्हें ना ऊपर जाना, उधर वो जाली है ना जाली, उधर जाना और उधर से सीढ़ियों से भागते 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 आंगन में आना। और डिंपल, हाँ, तू उधर बाथरूम में जाना और ना धो के भागते 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 आंगन में आना। लेकिन डिंपल फास्ट नहीं भागने का, स्लो मोशन में भागने का, स्लो मोशन। ओके, देख ऐसे 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 स्टार्ट स्टार्ट। बस तुम दोनों को ना स्लो मोशन में भाग के इतना पास में आने का, फिर रुक जाने का, फिर उधर है ना दो फूल रहेंगे ऐसे ऐसे, वो दोनों ऐसे पास में आ जाएंगे और मुस्कुराएंगे। करवटे बदल रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है क्या? सो जाइए। तुम्हारी तरह लापरवाह नहीं हूँ लीला कि जवान बेटी के होते हुए घोड़े बेच के सो जाऊं। एक जिम्मेदार बाप हूँ, समझी? हाँ तो निभाइए ना आप जिम्मेदारी, मुझे सोने दीजिए। हाँ सो जाओ आराम से, चैन से। गैर जिम्मेदार लापरवाह माँ कहीं की। क्या कर रहे हो, छोड़ो ना। कोई जाग जाएगा, प्लीज छोड़ दो। कोई नहीं जागेगा, सब गहरी नींद सो रहे हैं, और वो तुम्हारा बुड्ढा पापा भी।